आज तुम हमारे लिए चाय लेकर आई? हाँ, वो तुम काफी टेंशन में लग रहे थे तो मैंने सोचा मेरे हाथ की चाय पी लोगे तो थोड़ा बेटर फील करोगे। थैंक यू। कि एक्चुअली यार टेंशन में तो है यार, पता नहीं क्या हो रहा है ये और क्यों हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब हमने ना मोहन भैया के सामने ना उतना रिएक्ट नहीं किया, पर हमारे मोहन भैया के हाथ से खून हो गया है कीर्ति, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं हम लोग और इससे निकलना ना इतना आसान नहीं है। सब ठीक हो जाएगा अजीत। अरे कितनी यार, कैसे ठीक हो जाएगा? वो जो एसपी है उसको मोहन भैया पर पूरा पूरा शक है, और वो पूनम आंटी वो तो अलग पगलाई बैठी है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है यार। अभी अभी तो राधा और मोहन भैया मिले थे, गुनगुन को उसकी मां मिली थी, और फिर अभी ये सब। अजीत, सबको इतना हंसाने वाला, इतना पॉजिटिव रहने वाला इंसान रोते हुए अच्छा लगता है क्या? देखो मेरी तरफ, राधा और मोहन भैया की लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। मम्मी, दामिनी, बस, बॉम, इतना सब कुछ हुआ, पर तुम्हें ऐसा कोई एक किस्सा याद है जहां पर राधा और मोहन भैया जीत ना पाए हो, प्रॉब्लम से निकल ना पाए हो? पता है क्यों? क्योंकि उनका दिल साफ था और बाकी बिहारी जी उनके साथ थे। And I'm sure, इस प्रॉब्लम से भी हमें बाकी बिहारी जी ही निकालेंगे। तुम प्लीज टेंशन लेना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। केतकी, बच्चे मनन सरगम वो भी तो परेशान हो गए ना, उन्हें तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा। वो मनन बेचारा, उसको पता भी नहीं होगा कि चल क्या रहा है। अजीत, बच्चों की टेंशन मत लो, सरगम है ना संभाल लेगी वो मनन को।